नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद शर्मा अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम पहले LHS को लेते हैं। LHS को लेने के बाद LHS में है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हम लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसके लिए हम पहले इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। इसमें करते क्या है कि अगर प्लस साइन होगा तो माइनस साइन में बदल देते हैं, और माइनस साइन होता है तो प्लस में बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं। इसे रेशनलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम इसको आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये दोनों प्लस माइनस में है तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ सावधानी ये रखनी है कि ऊपर वाले भाग को पहले जैसे लिखे हैं ऊपर वैसे ही लिखेंगे, और नीचे वाले भाग को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसको ऐसे ही छोड़ते हुए हम यहाँ दोनों को इकट्ठा होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर यहाँ थोड़ा भी मिस होगा तो फिर आगे जो हम RHS में प्रूफ करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिखेंगे, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, न कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर गलती से कोई लिख भी देता है तो यहाँ पर यहीं से उसकी गलती शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आगे सवाल फंसेगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। फिर इसको अलग अलग करने की क्रिया करते हैं। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो इसको अलग करेंगे तो ये 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है। तो 1 बाई कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा लगा दिए। फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा लगा दिए। इस तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर RHS प्रूफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ LHS को हम लेते हैं। LHS को लेने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन थीटा यहाँ अकेले है और यहाँ साइन थीटा 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे इस तरह से कि एक स्क्वायर में कर देंगे और एक अलग इसको करेंगे। ऐसा इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं ताकि कॉमन लेने में सुविधा हो, नहीं तो हम लोग एक बार भी डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ इसको तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने विशेष रूप से समझाने के लिए इसको इस तरह से तोड़ा है। अगर नहीं भी तोड़ते तो भी हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ तोड़ के दिखा दिया है कि साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ ये दोनों साइन थीटा निकलेगा, और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जो आगे है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये साइन थीटा हम कॉमन लिए, कॉमन लेने पर यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचता है। फिर नीचे वाले भाग में कॉस थीटा को भी मैंने अलग कर दिया है, ये कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम कॉस थीटा यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि ये सारे चीज़ों को जैसे हैं वैसे लिखेंगे इस साइड को, और यहाँ इस पर विचार करना है कि इसको क्या किया जाए। तो इसको करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमको नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा ही लाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमको इसे चेंज करना होगा। अगर इसको चेंज नहीं करते हैं तो
तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा तो जो हमको प्रूफ करना है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए हम इसको चेंज किए। चेंज करने के बाद तो यहाँ फिर यह ध्यान देना है कि यह जो स्मॉल ब्रैकेट में है तो इसको हम इस तरह से आगे मिडिल ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद फिर इसको लेकर फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट किए। पुट करने के बाद फिर आगे इसको बढ़ाते हुए चलेंगे और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों में। 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ दिख रहा है। फिर आगे हम चलते हैं इसको, ये जो क्रिया है -2 और +1 ये घटने के बाद -1 आएगा, फिर यहाँ +2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही लिखा जाएगा। फिर इसको अगले भाग में हम अरेंज करेंगे, अरेंज करके 2 cos² θ - 1 करेंगे क्योंकि नीचे वही है। इस तरह से हम ऊपर नीचे दोनों को समान करते हुए दोनों को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद जो बचता है वो sin θ / cos θ है। तो sin θ / cos θ का फॉर्मूला होता है tan θ। तो यही हमें प्रूफ करना था, इसलिए हम लिख दिए therefore tan θ RHS प्रूफ्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।